हरियाणा और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। हरियाणा के भिवानी में कुछ दिनों पहले नर कंकाल मिलने से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के भरतपुर निवासी जुनैद और नासिर को कुछ कथित गौरक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर ने जिंदा जलाकर मार डाला। इसकी गिरफ्तारी के लिए राजस्थान पुलिस हरियाणा के कई जिलों में दबिश दे रही है। गौरक्षक के नाम पर हुई इस हत्या के बाद अब सियासी पार्टियों ने अपना अपना एजेंडा सेट कर लिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जाकर जुनैद और नासिर के परिवार वालों से मुलाकात करते हुए हरियाणा राजस्थान सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। एक्यूज जो है, जिनको एलेज एक्यूज है, एफआईआर में नाम है, वो इतना मारे जुनैद और नसीर को ले जाकर पुलिस स्टेशन में जब उनको दिए तो पुलिस ने इनकार कर दिया उनको लेने से। तो उसके बाद वहाँ से 170 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी गाड़ी, जली हुई गाड़ी और जली लाश मिली। आप बताइए कि फिर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? आखिर कब तक बीजेपी ऐसे गैंग्स की सरपरस्ती और उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देगी? कितने लोगों को आप, कितने बच्चों को बेवा करेंगे, कितने बच्चों की टीम करेंगे? आखिर रूल ऑफ लॉ कहाँ है? अनेक खुले हथियारों के साथ फिरते हैं, YouTube पर गोली चलाते हैं, वीडियो डालते हैं, सिल्वर बटन मिलता है, Facebook पर वारिस को का जिस्म दिखाया गया, उसके बाद वारिस मर गया तो हरियाणा की पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट से मारा, परिवार कहते हैं कि उसको मारा गया। तो ये तो ओपन एक मर्डर है। दूसरी तरफ सुरेंद्र जैन के परिजनों ने राजस्थान पुलिस पर आरोप लगाया है कि मोनू की तलाश में आए राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने उनकी बहू के गर्भ में पल रहे बच्चे को लात मार दी, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि श्रीकांत पंडित और मोनू मानेसर गौरक्षक इस समिति के सदस्य हैं, जिनकी जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने गौरक्षक श्रीकांत के परिवार से नूह में जाकर मुलाकात की। साथ ही सुरेंद्र जैन ने राजस्थान पुलिस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की कि पुलिस ने तालिबानियों की तरह व्यवहार किया है। रात को 3 बजे घर पर पहुंच रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, और उसके जब दो भाई सामने आए उनको मारते पीटते हुए जीप के अंदर डाल दिया। उसकी गर्भवती पत्नी, 9 महीने की प्रेग्नेंट दिखाई दे रहा है, जबरदस्ती उसको धक्का दिया, वो नीचे गिर गई और वो बच्चा दुनिया देखने से पहले ही स्वर्ग से धार गया। मैं इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, लड़की की जान बच गई है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी वो रिस्क के अंदर है और जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। डॉक्टरों के इलाज से हम संतुष्ट हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है साफ दिखाई देता है वो राजनीतिक दबाव में थी। स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी, हमें जानकारी मिली है राजस्थान की एक मंत्री, उनका भतीजा इन दुष्ट लोगों के साथ में था। आखिर कौन थे ये लोग? जरायम पेशा अपराधी लोग थे, उसके ऊपर पहले से इनाम घोषित था, गौ हत्या के केसेस उसके ऊपर दर्ज थे। चुनावी माहौल में हुई इस हत्या पर राजनीति होना लाजमी है। श्रीकांत के परिजनों ने नूह के नगीना थाने में राजस्थान पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने नवजात बच्चे को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।